हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम अपना सेशन 43 करें, और सेशन 42 में हमारे पास 10 नए रूट वर्ड्स आए थे। वहीं से अब हम फिर नए वर्ड्स बिल्ड करेंगे। सबसे पहला जो वर्ड आया था हमारे पास, वो आया था एनर्वेट। एनर्वेट, एनर्वेट का मतलब होता है टू एग्जॉस्ट, थका देना, किसी को भी थका देना मेंटली या फिजिकली, दैट इज कॉल्ड टू एग्जॉस्ट या एनर्वेट। एनर्वेट, एनर्वेट का ऑपोजिट वर्ड होता है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट यानी किसी को एकदम एकदम तरोताजा कर देना, टू रिफ्रेश, रिफ्रेश किसी चीज़ को रिफ्रेश कर देना। जैसे मान लीजिए, अगर आप बहुत थके हुए हैं और किसी ने आपको थोड़ा सा कुछ खिला पिला दिया, तो एकदम हम मेंटल, जो फिजिकली एकदम हम एक्सेलरेट हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। एनर्वेट इज टू एग्जॉस्ट एंड एक्सेलरेट इज रिफ्रेश। एनर्वेट जो वर्ड बना हमारे पास, उसी में हमारे पास वर्ड है एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, और जब ऊर्जा ख़त्म हो जाती है तभी लोग एनर्वेट होते हैं। एनर्जी इज ऊर्जा, ये तो हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। और यहीं से एक वर्ड आता है हमारे पास, सिनर्जी। सिनर्जी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिनर्जी? जब दो या दो से अधिक चीज़ों की एनर्जी, टू और मोर एनर्जी टुगेदर, एनर्जीज टुगेदर, जब एक से ज़्यादा चीज़ों की एनर्जी एक साथ काम करती है तो उसे हम कहते हैं सिनर्जी। सिनर्जी, अब यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त अगर दो ऊर्जाएं साथ में काम कर रही हैं तो वो पॉजिटिव भी होंगी, कई बार नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल लिया और साथ में उसने स्लीपिंग पिल्स भी ले लिए तो वो बहुत ही बैड इफ़ेक्ट करेगा। या दो दवाइयों की जो ऊर्जा होती है वो भी अगर कई बार जो है वो बैकफायर कर जाती है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है। सो सिनर्जी इज़ ऑलवेज नॉट गुड। सिनर्जी का अर्थ हुआ कि दो या दो से अधिक ऊर्जाओं का एक साथ काम करना। देखिए, एनर्वेट, एनर्वेट जो बना है एनर्जी से, उसका एनर्वेट का मतलब होता है एनर्जी निकाल देना, टू एग्जॉस्ट, और एक्सेलरेट का मतलब होता है एनर्जी दे देना, यानी कि बिल्कुल रिफ्रेश कर देना। और यहीं से हमने वर्ड बनाया सिनर्जी। सिनर्जी, अब हम ज़रा अगला वर्ड देखें। तो हमारे पास जो वर्ड आया, दूसरा वर्ड, वो था आलोचना करना। आलोचना करना, अच्छा, नॉर्मल अगर हम आलोचना कर रहे हैं तो हमारे पास ये वर्ड है। देखिए, आलोचना बहुत ज़रूरी है, चाहे अपने बच्चे की हो या अपने नियर डियर की हो। जब तक हम आलोचना नहीं करेंगे तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है, इसीलिए एक हेल्दी आलोचना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, स्कोल्ड, क्रिटिसाइज, रिब्यूक, सेंसर, रिप्रिमेंड और बिरेट। अगर आप एक नॉर्मल आलोचना कर रहे हैं तो फिर इनमें से ये सारे वर्ड साइनोनिम वर्ड हैं, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपका उद्देश्य सिर्फ आलोचना करना नहीं है, मन में जितनी भड़ास है वो सारा निकालना है, इसे हम कहते हैं मुंह जीव से चाबुक चलाना। यानी आप वैसे चाबुक नहीं चला रहे, आप जीव से ही उस व्यक्ति को मार रहे हैं, जितनी गंदगी है सब निकाल रहे हैं। तो अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वर्ड चाहिए आपको आलोचना के लिए, तो फिर वर्ड है हमारे पास रेल एट, रैंट एट, लैश आउट एट और टंग लैश। टंग लैश, ये सारे, ये भी आलोचना है, लेकिन यहाँ पर ये आलोचना थोड़ी मन की भड़ास निकालने के लिए है, इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं है। सो कास्टिगेट ध्यान से यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द पर्पज़? अगर पर्पज़ नॉर्मल है तो ये सारे वर्ड हैं हमारे पास, स्कोल्ड, क्रिटिसाइज, रिब्यूक, सेंसर, रिप्रिमेंड एंड बिरेट। लेकिन अगर गंदगी या मन की भड़ास निकालना है तो फिर रेल एट, रैंट एट, लैश आउट एट एंड टंग लैश, ये सारे वर्ड आप रिवाइज कर लीजिएगा। जो हमारे पास अगला वर्ड है वो है एब्निगेट। निगेट, वैसे हम यूज करते हैं निगेट। निगेट का मतलब होता है से नो, टू से नो, ना कहना, टू से नो। लेकिन जब हम इसमें अब ऐड कर देते हैं तो ये एब्निगेट का अर्थ हो जाता है टू से नो टू सेल्फ। टू से नो टू सेल्फ, खुद को ना कहना। अब अगर आप
इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो फिर आपको ये भी पता होगा, नेगेटिव भी यहीं से आया है, नेगेटिव भी यहीं से डिराइव हुआ है, निगेट और निगेटिव, नो और निगेटिव का भी मतलब होता है नो, एडजेक्टिव फॉर्म में. सो एब निगेट इज टू से नो टू सेल्फ. लेट्स मूव टू अनदर वर्ड. एक लैटिन में हमारे पास एक रूट वर्ड है कैपिट या कैपिटस, जिसका मतलब होता है हेड. देखिए जब हम हेड की बात करते हैं तो थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे. हेड हम जो हमारा सर है ये इसको भी हम हेड कहते हैं, और कहीं के जो मुखिया या प्रिंसिपल या हेड होते हैं उनको भी हेड कहा जाता है. तो हेड इज मुखिया ऑल्सो एंड हेड इज सर ऑल्सो. अब हम यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, पहले नॉर्मल वर्ड देखते हैं तो हमारे पास हेड से जो वर्ड आता है सबसे पहले कैप. कैप लोग सर पे कैप पहनते हैं, कैप इसी से बना हुआ, कैपिटस से. और फिर हर एक टीम का एक कैप्टन होता है जो उसका हेड होता है, ये भी इसी से वर्ड आया. हर देश की या राज्य की राजधानी होती है जो उसका मेन हेड होता है, दैट इज कैपिटल. देखिए इसी से हमने ये नॉर्मल वर्ड बनाए जो हम डे टू डे लाइफ में हमेशा ये वर्ड हम देखते रहते हैं, कैपिटस, कैप, कैपिटन एंड कैपिटल. ये तो हम नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं. अब जरा हम इससे और वर्ड बनाएं तो हमारे पास जो सबसे पहला वर्ड आता है वो आता है डीकैपिटेट. डीकैपिटेट, डीकैपिटेट का मतलब होता है बीहेड. डी डी नेगेटिव, नेगेटिव प्रिफिक्स है. अब कैपिटेट कैप पहना दो, डीकैपिटेट कैप नहीं भाई सर ही उड़ा दो. डीकैपिटेट का मतलब होता है बी हेड, बी हेड सर धड़ से अलग कर देना. पहले के ज़माने में जो राजा हुआ करते थे वो जब पनिशमेंट देते थे तो कहते थे इसका सर जो है हटा दो, तो तलवार से सर उड़ा दिया जाता था, दैट वॉज डीकैपिटेट. अब हमारे पास एक वर्ड आता है यहाँ पर कैप्चुलेट. कैप्चुलेट, कैप्चुलेट का मतलब होता है कि किसी के सामने एकदम अपना, अपनी पगड़ी, अपनी टोपी रख देना, यानी कि सरेंडर कर देना. कैप्चुलेट मीन्स टू सरेंडर. अगर हिंदी मूवी के शौकीन हैं तो बहुत बार देखा होगा आपने कि कोई जो बेचारा लाचार इंसान है वो किसी समृद्ध या जो पावरफुल व्यक्ति है उसके सामने अपनी पगड़ी उतार देता है, सरेंडर कर देता है, दैट इज कॉल्ड कैप्चुलेट. कैप्चुलेट मीन्स सरेंडर. और यहीं पे हमारे पास वर्ड आता है रिकैप्चुलेट. रिकैप्चुलेट, रिकैप्चुलेट का मतलब होता है जो हेडलाइन है उस हेड, हेड क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं हेड की, और यहाँ पर आया री. देखिए यहाँ पर जब डी आया था तो ये नेगेटिव था, री आया है तो फिर से री. री का मतलब होता है रिवाइज, टू रिवाइज. रिवाइज क्या, रिवाइज करना है हेड, हेड या जिसे कहते हैं मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स, और मेन पॉइंट्स को दोहरा लेना, दैट इज कॉल्ड रिकैप्चुलेट. तो हमारे पास जो लैटिन रूट वर्ड आया कैपिटस, उससे हमने बनाया सबसे पहले नॉर्मल वर्ड कैप, कैप्टन एंड कैपिटल, और फिर हमने कुछ क्रियाएं बनाई जो बहुत ही तगड़ी क्रियाएं हैं, दैट इज पहला डीकैपिटेट, दैट इज सर धड़ से हटा देना, कैप्चुलेट दैट इज टू सरेंडर, एंड रिकैप्चुलेट इज टू रिवाइज मेन पॉइंट्स या जिसे कहते हैं हेड, जो मेन मेन होते हैं उसको रिवाइज कर लेना, दैट इज कॉल्ड रिकैप्चुलेट. रिकैप्चुलेट. तो अभी आपने जो इसमें वर्ड्स किए हमने वो इनोवेट और एग्जॉस्ट, एक्सेलरेट, टू रिफ्रेश, ध्यान रखेंगे ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड हैं और इसका सिनोनिम वर्ड है एग्जॉस्ट. फिर हमने कास्टिगेट किया, कास्टिगेट के सारे साइनोनिम ही हैं, बस यहाँ पर जो है वो एक फ्रिक्वेंसी लो और हाई है. लो फ्रिक्वेंसी में ये वर्ड्स और हाई फ्रिक्वेंसी में सारे वर्ड ये हैं आपके पास. फिर है एब्निगेट. एब्निगेट टू से नो टू सेल्फ. एंड देन वी हैव कैपिटस, जिससे हमने ये सारे वर्ड्स बनाए. अगर आप मैं फिर से बता दूँ, अगर आप पहले से एग्ज़ाम देते रहे हैं तो आप अगर ये, अगर आप ये वर्ड्स कर रहे होंगे तो आपको
पता चल रहा होगा कि इनमें से अक्सर बहुत सारे वर्ड जो है वो एग्जाम्स में आते हैं, इधर वी टॉक अबाउट SSC और वी टॉक अबाउट CDS, NDA एट्सेट्रा. तो सारे वर्ड्स आप ज़रूर रिवाइज कर लेंगे और एक्सरसाइज कर लेंगे. थैंक यू. जय हिंद.